I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. अरे निकालो। नहीं सर, आमी नहीं निकाल बो। मुंह हाथ लगाई भी तो नरके को जाबो। आप ही निकालिए ना। We are extremely sorry सर, इसमें हमारे बैंक की कोई गलती नहीं है सर। हमने कई रिमाइंडर भेजे पर कोई लेने नहीं आया। इनको भी तो लेके चलना। गफ्फार साहब, जुल्फी साहब, जरा जोर लगाइए वरना आज का खर्चा भी अपने सर आ जाएगा। आते रहिए। अरे भैया आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, वो देखिए गाड़ी फिर लेट हो गए। अरे चलिए ना आप। हाँ ना, इनको देखिए। आइए आइए। हकीम साहब का भी अपने नुस्खे खुद पर भी आजमा लिया कीजिए। अरे आज फिर अब तो आओ ना भैया, आइए बैठिए बैठिए, अब कोई जल्दी नहीं है। हाँ जल्दी से जेब ढीला कीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी से। अरे दे रहे यार, मरे कहाँ जा रहे हो। अरे जल्दी कीजिए ना। अरे दीजिए ना। शुक्रिया। ये तो नाश्ते का हुआ, चाय का अमा दो यार। चाय का ये लो हमसे ले लो। हसमत भाई, कल से हम आपकी टीम में हो लेंगे। ये लोग बहुत धीरे चलते हैं। बेहतर अगली बार हमारे साथ रहिए और हराइए इनको। इनको आप अपने पास ही रखिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा कच्चा खिलाड़ी। अच्छा, हम कच्चा हैं और आप बहुत पक्के हुए हैं। आप तो इंसान ज्यादा बोले ना, सेब खाइए, कुछ जवानी वापिस आवे ताकि अगली बार हम लोग भी कभी जीत सके। हसमत भाई माशाल्लाह, ये रोज सेब खाने का आदत जो आपको डॉक्टर बनर्जी ने डलवाया, इसी वजह से आप जीतते हैं। भाई डॉक्टर साहब का क्या कहने, वो तो कई नेक सलाह देते हैं, हमसे ही अमल नहीं होता। आपका अच्छा है हसमत भाई, आपके साथ डॉक्टर बनर्जी है और हम लोग उनके साथ ये है हकीम साहब। बॉल नहीं पकड़ने कहा था, मेरे चौके के हैट्रिक बनने से रोक दिया आपने। माफ कर दो भाई, ये लो बेटा, इनको लगा बॉल नहीं सेब है। अरे बेटा, तीन चौके का कोनो रिकॉर्ड होता है क्या? अरे रिकॉर्ड ही बनाना है तो शाहिद अफरीदी की तरह सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाओ, जा खेलो जा। क्या बात कही आपने हा? भाई रिकॉर्ड तोड़ने और जोड़ने में पाकिस्तानी टीम का कोनो जवाब नहीं। अरे याद है शारजा में आखिरी गेंद पर जावेद मियां दाद का छक्का,
पाकिस्तान टीम के दो चार खिलाड़ी अगर आपकी टीम में शामिल हो जाएं तो आप हमसे जरूर जीत जाएंगे। पाकिस्तान तो सच में माशाल्लाह अच्छा टीम है, पर अपने सचिनवा का बात ही कुछ और है। वालेकुम सलाम रिजवी साहब, हुक्म। लखनऊ में वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा अजी, आपका काम कभी वक्त पे न हुआ हो ऐसा कभी हुआ है? बड़ा काम, ठीक है आप भेज दीजिए, बना के ही भेजेंगे जी। शुक्रिया, खुदा आज जल्दी। हाँ अब कुछ जरूरी काम है। गाड़ी तो साफ कर लिया करो मियाँ, कितना गर्दा है। गाड़ी का अपने बच्चों की तरह देखभाल करना चाहिए जी अब्बू, तब जाके दोनों की सेहत अच्छी रहती है, अपनी भी और गाड़ी की भी। मैं चलूँ अब्बू? जाओ, एक्सेलेटर जोर से मत दबाओ, जाओ। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज। शट अप, जस्ट शट अप। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत, आगे से ऐसा नहीं करेगा। अब यहाँ क्या खड़े हो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। मेवालाल तुम जाओ, तुमको भी जरा सलीके से रहना चाहिए। क्यों, हमने ऐसा क्या किया है? ना आया अब्बू, हमने कुछ नहीं किया जी। किया तो हम ही लोग। भाई जाके वो कुशवाहा जी का सामान मशीन पर चढ़ा दो, हम पहुँच। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा। आरा आई, आरा आरा, अभी मरी नहीं आ रही है। आरा आरा, जाने कौन जन्म का बदला ले रहा है अल्लाह। अभी हाथ पैर सलामत है तो ये हाल है, कल को बुढ़ापे में लात मार के बाहर ही ना निकाल दे ये लोग। तब तो कब्बे निकाल देना चाहिए था। ये बेवक का चूहलबाजी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सब आप ही का करनी है। थोक के कहा था लखनऊ में शादी मत कराइए मत कराइए, अब भुगती है। सारा दिन इसकी अंग्रेजी फिक्रे सुनिए, नासपीटी गाली भी देती होगी तो पता नहीं चलेगा। कहा ढूंढ रहे हैं आप? अरे भाई गलती से आपका आंख पहन कर चले गए थे, कम बखत एक ही जैसा है। ई पोस्ट कार्ड के गठर का क्या करना है? दुकान ले जाना है। हसमत भाई फिर वही पोस्ट कार्ड? अरे सीधा सीधा एक कागज पर लिख के फोटो कॉपी करवा लेते ख्याली की दुकान से। हर तरफ शोर है, हर तरफ शोर है, क्या बात है पता तो करो। अच्छा कैसे अब तक इनमें भी आग है पता तो करो। वाह, वो एक शख्स जो मंजिल का पता बांट रहा था, वो एक शख्स मंजिल का पता बांट रहा था, कहाँ गया पता नहीं, पता तो करो। क्या बात कही अजमत भाई, वाह। तो छोटा खूबसूरत और सस्ता, और बड़े से बड़ा बात कम लफ्जों में, और छुपाने का कौन हो बात नहीं, खुला। ये लीजिए, इसको डिब्बे में डाल दीजिए, मैटर चेक कीजिएगा, नहीं तो कसूरी साहब को खाम का नुक्स निकालने का मौका मिल जाएगा। उनके नाम के पीछे नवाब लगा है ना, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। सही बात है। चलो अभी उसके सालाना के मैं शिकायत फरमाएं कवाली ठीक से पढ़िए। चौदह बी के सालाना उर्स के मौके पर कवाली के प्रोग्राम में शिकायत फरमाएं चेयरमैन नवाब मोहम्मद अली कसूरी मौलाना अब्दुल कयूम जनरल सेक्रेटरी हसमत उल्लाह। ठीक से पढ़िए। आप इतने डरते कहाँ हैं कसूरी साहब से, आप भी जनरल सेक्रेटरी हैं। हसमत भाई अब की आप चेयरमैनी के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाइए, शर्तियाँ जीतेंगे और फिर जहाँ आप वहाँ हम सब जिताएंगे ना आपको। अरे तौबा तौबा, भूल गए, बरसों पहले हमारे भाई साहब ने उन्हें हराया था, आज तक हमारे बिट्टू आ सलाम बंद है। कसूरी साहब खाम खा का है पाले हुए। अरे इतना अच्छा दोस्ती था उन दोनों में, वो भाई साहब के जनाजे तक में नहीं है। और ये सब फिर से हम दोहराना नहीं चाहते, आप लोगों ने इज्जत बख्शी है, सेक्रेटरी बना दिया, और ना हमें तो इस ओहदे का भी ख्वाहिश नहीं है। ना रईस लोगों के ना आगे रहना चाहिए और ना पीछे,
सुना है एक बार उनके गली के कुत्ते ने उनके वालिद साहब के हाथ से मक्खन नहीं खाया, गोली मार दी, बताइए। और आपके भाई साहब तो वहां काम करते थे, अब ऐसे लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनका नौकर उन्हें हरा दे। कसूर साहब यहाँ का यार है। हिंदुस्तान इंजीनियरिंग वर्क्स। हाँ जी कहिए जी, हमें रिजवी साहब ने भेजा है। ओह जी, इंजन लाए हैं आप? जी हाँ लाए हैं। लाइए लाइए, ले आओ ले आओ ले आओ। चलो भाई लाइट भी आ गए, निकलो भाई, इनके काम का वक्त भी हो गया है। हाँ जा रहा है, हमारे पास भी बहुत काम है, चलते हैं। चलते हैं काम का वक्त हो गया। सलीम इंजन पर नाम चढ़ा दो। जी हसमत भाई। ना हालत तो बहुत खराब लग रहा है। बनेगी नहीं का? अरे बनेगी का है नहीं, हमें फोर्ड V8 का इंजन लग रहा है। हाँ जुल्फे, हाँ हमको भी ऐसा ही लग रहा है, डबल हेड वाला इंजन। ये तो बेलवरियार साहब या फिर रिजवी साहब जानते होंगे। गाड़ी के आगे स्टील का गार्ड लगा हुआ है। तो ये शर्तिया 60-70 साल पुराना फोर्ड लॉरी का इंजन है। हाँ हाँ म्यूजियम की गाड़ी है। साहब साहब आप यहाँ मालिक हैं या काम करते हैं? जी हम समझे नहीं। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप करते कहाँ हैं? हम अंग्रेजी में बताया तो मैट्रिक फेल मैकेनिकल इंजीनियर है, और हिंदी में बताया मिस्त्री। अरे यही हसमत भाई है। अरे माफ कीजिएगा, वो हमारे सिन्हा साहब काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसे जल्द से जल्द करके देना है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। रिजवी साहब से भी हमारा बात हो गया। फिर तो कोनो बात नहीं, फिर भी जरा जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। रफात जी अबू, इसे चढ़ा दो और जोर से, अमेरिकन मशीन है, देसी जुगाड़ के बिना खुलेगा नहीं। अबू मुझे नहीं लगता इसके सारे पुर्जे साबुत होंगे, इसको खोलने में ही पूरा हफ्ता बीत जाएगा। नहीं नहीं, इसका बनना मुझे मुश्किल लग रहा है एकदम। अरे मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि वापस आप इसे बनाने बैठेंगे और अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। वालेकुम सलाम रिजवी साहब। उधर से उधर से। जिन्हें बस आप ही का काम हो रहा है, लगता है इस बार आप पर बहुत प्रेशर है। अभी तो खोले हैं के मार में। मुश्किल है पर हो जाएगा। अरे चेन्नई कहाँ जा रहे हैं? टायर के लिए। ठीक है ठीक है। का आप भी हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है, खुदा ठीक है। का बोले? वो कह रहे हैं कि अब तो मेरा ही सहारा है। सलीम बेटा और काम मत लेना, इसे जल्द से जल्द खत्म करो, रिजवी साहब बहुत जल्दी में। पुलिस और एसटीएफ ने दो बड़ी गिरफ्तारियां की हैं, अल्ताफ और फहीम अंसारी। पता चला है कि दोनों पिछले 3 महीने से यूपी में ही थे। शमीम नाम का एक आदमी जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट का है, इनकी मदद करता था, उसी ने इनके रहने और खाने का इंतजाम किया था। पुलिस का कहना है कि स्लीपर सेल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इनमें वो लोग हैं जिनका अब तक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने पूरे उत्तर प्रदेश में नए सिरे से तलाशियों और गिरफ्तारियों की प्रक्रिया
वास्तविक हाल और हमारी सरायगढ़ी मीर के सभी बाशिंदे दहशतगर्द हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। उन्हें शक है कि ये सभी लोग दहशतगर्दी में शामिल हैं और पाकिस्तान के हिजबुल मुजाहिदीन के जिहादियों की मदद करते हैं। इसी बेबुनियाद शक की बिना पर इन सब की गिरफ्तारियां हुई और ये गिरफ्तारियां सिर्फ इलाहाबाद में नहीं, लखनऊ, बनारस, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, कुल मिलाकर 83 बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस मुल्क में जब भी कोई भी कहीं भी कोई हादसा होता है तो उसका सीधा असर हमारी कौम पर क्यों पड़ता है। अगर इस मुल्क की हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने में खुद नाकाम है तो उसका गुस्सा हम पर निकालेगी। इस तरह से हमारी दुकानों, हमारे घरों, हमारे मदरसों पर छापे मारकर कहां का इंसाफ है ये? हमारे बीच ताहिर अनवर साहब मौजूद हैं, इन्हें और इनकी बेगम को रात 2 बजे पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मासूमों को सताया जाता रहा, बेगुनाहों पर जुल्म होते रहे तो आतंकवाद फैलेगा कि नहीं। मैं अपनी मस्जिद आजम कमेटी के सभी मेंबरान की तरफ से और कसूरी साहब की तरफ से इस बात की सख्त मजम्मत करता हूं। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे साथी वहां पुलिस की हिरासत में हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। अलीगढ़, दिल्ली, बंबई सभी जगह के उलेमाओं से सलाह करके आगे की कार्रवाई तय की जा चुकी है। जिन जिन शहरों में गिरफ्तारियां हुई हैं उन सभी जगहों की कोर्ट में हम बड़ी से बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कल जब आबिद साहब की पेशी होगी हम वहां मौजूद रहेंगे। बाकी किन किन लोगों के लिए क्या क्या काम मुकर्रर किया गया है ये जनरल सेक्रेटरी साहब आपको बताएंगे। इस्लाम कहता है कि किसी भी नाइंसाफी को बर्दाश्त करना उसकी हिमायत करने जैसा है। हम सबको मिलकर इसका जवाब देना होगा। नारा तकबीर अल्लाह हु अकबर, नारा तकबीर अल्लाह हु अकबर, नारा तकबीर अल्लाह हु अकबर। पक्ष के कड़े विरोध के मद्देनजर मैं अभियोग की बेल अपील खारिज करता हूं और 14 दिन के पुलिस रिमांड का आदेश देता हूं। बुलाइए। अपना अपना काम कीजिए और देखिए शांति बनाए रखिएगा। अगली बार कोई गड़बड़ी हुई ना तो सीधा जेल भेज दूंगा। चलिए जाइए।
जाने दो उनको। चलिए आप लोग प्लीज, चलिए चलिए चलो, चलिए चलिए चलो। वो जो लाठी भांज रहे थे उनमें से किसी का गिर गया, उन्हें दे दीजिएगा। For exclusive classic movies, download Shemaroo Me app now.